जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, बेरोज़गारी इस कदर बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उसी के मद्देनज़र अब अभ्यर्थियों का क्या कहना है सुन लीजिए। भर्ती का आदेश नहीं चाहिए उनको, विज्ञापन चाहिए। तो भर्ती का आदेश नहीं, विज्ञापन चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर लगातार हो रहे आंदोलन के मद्देनज़र तमाम विभागों में अब रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ताकि भर्ती शीघ्र शुरू की जा सके। इस मसले पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक तरफ तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है और अगले साल यूपी का विधानसभा चुनाव भी है। सरकार भर्ती के आदेश के बजाय अब सीधे विज्ञापन जारी करे और सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करे। सिर्फ भर्ती का आदेश देने से बेरोजगारों को राहत नहीं मिलेगी। ये माना जा रहा है कि कभी बेरोजगारों को राहत कैसे मिल सकती है, केवल मात्र आदेश से ही राहत नहीं मिलेगी, विज्ञापन जारी करने से और भर्ती निकालने से राहत मिलेगी। ठीक है, तो तभी लोगों का, अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती का आदेश नहीं, उनको विज्ञापन चाहिए और वो भी जल्द चाहिए। दोस्तों तो बात करते हैं भाई, काफ़ी सारी वैकेंसी आपके लिए आ सकती हैं। 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी भी इसमें शामिल है। तो इस वैकेंसी पर दोस्तों बहुत ज़्यादा नज़र है, बहुत ज़्यादा लोग इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि 52,000 कांस्टेबल वैकेंसी कब आए, क्योंकि 2018 के बाद में पुलिस विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो इसलिए ये वैकेंसी आना स्वाभाविक सी बात है कि 52,000 पदों पर वैकेंसी आ जाए, बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर तक ये वैकेंसी आ सकती है। दोस्तों इस वैकेंसी का आना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये वैकेंसी इसलिए आ सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में मार्च अप्रैल में योगी सरकार को चुनाव भी लड़ना है, तो ये वैकेंसी 52,000 कांस्टेबल की आ सकती है। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं भर्ती का आदेश नहीं, विज्ञापन चाहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। जैसे को और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।